केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है और इसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर केतु किसी शुभ ग्रह के साथ पड़ जाए तो उस शुभ ग्रह के फल को भी केतु खराब कर देता है। केतु को दुष्ट ग्रह यानी कि पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और केतु का जो प्रभाव है वो अच्छे ग्रहों के साथ मिलकर उनको खराब करने का होता है। अगर किसी बच्चे का केतु बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है तो उसको परिवार में लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ता है। खराब केतु होने पर संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, पेशाब संबंधित बीमारी लगने का डर रहता है केतु के कारण, और स्किन इन्फेक्शन या शरीर में एलर्जी का हो जाना ये भी खराब केतु के लक्षण होते हैं। विवाह में अड़चने आना या शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आना, पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे ना रहना ये भी खराब केतु के लक्षण होते हैं। अगर किसी का केतु बहुत ज्यादा खराब है तो सबसे ज्यादा इसका जो असर पड़ता है वो पड़ता है गृहस्थ जीवन पर, यानी कि केतु की वजह से सबसे ज्यादा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। शादीशुदा जीवन को केतु खराब कर देता है अगर वो बहुत ज्यादा बुरे परिणाम दे रहा है। केतु की वजह से बार बार संतान के पैदा होने में कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, या तो मिसकैरेज हो जाता है या संतान होने के बाद संतान लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती। ये सब खराब केतु के लक्षण होते हैं। बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि पंडित जी केतु को सही करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। आज मैं आपको केतु ग्रह से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने के बाद आप आसानी से केतु के बुरे से बुरे प्रभावों से खुद को हमेशा के लिए बचा सकते हो। इनमें से कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो जीवन में केतु ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। बहुत इम्पोर्टेंट आज का यह एपिसोड होने वाला है और एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। नमस्कार, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह के बारे में। साथियों, केतु का जो काम होता है वो होता है कुल की उन्नति करना, अर्थात शादी, शादी के बाद संतान, संतान कैसी होगी वो बहुत जो निर्भर करता है केतु के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारा केतु बहुत ज्यादा वीक है, हमारा केतु बहुत ज्यादा बुरे परिणाम दे रहा है, तो हमें
संतान सुख से या वैवाहिक सुख से वंचित कर देता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको जरूर करना चाहिए अगर आप केतु के बुरे प्रभाव से पीड़ित हो रहे हैं। सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन कस्तूरी का दान करें। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन अगर आप कस्तूरी का दान करते हैं तो ऐसा करने से भी केतु के बुरे प्रभाव मिलना बंद हो जाता है। दूसरा उपाय, अगर आप केतु से बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं तो आप केतु के बीज मंत्र का प्रतिदिन 2 माला सुबह 2 माला शाम जाप करना स्टार्ट कर दें। केतु कभी आपको अपना बुरा परिणाम नहीं देगा। दो उपाय बताए हैं, इन दोनों उपायों का इतना जबरदस्त असर है, जब आप करेंगे कुछ दिनों में ही आपको पता लगने लग जाएगा। अगला उपाय आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तीसरा उपाय, अगर आप प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भी केतु ग्रह से जुड़े हुए सभी बुरे प्रभावों से आपको मुक्ति मिलने लगती है और शंकर जी की कृपा से आपके गृहस्थ जीवन में आ रही सभी प्रॉब्लम्स दूर होने लगती है। बहुत जबरदस्त उपाय है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। 2 से 4 दिनों के अंदर ही आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, असर दिखना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं चौथे उपाय की, अगर आप शनिवार के दिन काले रंग का कंबल किसी अंधे व्यक्ति को दान करते हैं, जी हाँ, तो ऐसा करने से भी आपको केतु के बुरे से बुरे और भयंकर से भयंकर परिणामों से तुरंत प्रभाव से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बंधुजनों, अगर केतु से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तजन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् युगंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय।